धार है तन तीर में आ जाते, तीर में आ जाते वो ये देवो। सब गांव में हो माई लोगिन मन है, शादी शुदा मन है, होगा ते मन सुंदर प्रेम के साथ में हो जी। कमर छठ उपास ले रहे की तैयारी करी है, करा थे काबर हल भगवान के बलराम के हल के पूजा होते होते आ सुंदर बाटी भावरा बनाते हो जी। लेका मन के ब्राह्मण देवता मतलब बुला के लाते हो जी। और सुंदर वहाँ पूजा पाठ ल कर पूजा पाठ करते सबरी गोड़ के वो सबरी ल तो गोड़ थे हो जी। आ ये तरह भैया सुंदर प्रेम के साथ में वहाँ सबो माई लोग इन मनहेतन पूजा करते हो जी। अभी ये तरह भैया लक्ष्मी है तो उन सुंदर ये पन्ना नंदरा लेके वहाँ चार परिवार रहा हो हाँ भाई तो लक्ष्मी है तो उन सोचते हाँ जी अपन ननंदला धर के हाँ प्रेम के साथ में वो है तो उन खेत खार जाते काटा खुटी बिना पर जरूरी है भाई आई अपन ननंदला बैठार दे बैठार दे थे तो बोला कथे मैं हाँ लकड़ी मल्ला काटा खुटी मल्ला बीन के आ था हाँ। आते हाँ हिच कर बैठे रहा बैठे रहा लक्ष्मी हाँ कैसे बोला कहाँ लगे भाई लक्ष्मी हाँ कैसे बोला बोला लगे भाई कोड़ा थावे मनमाड़े बैठा बैठे ऐसे ऐसे भैया छह ठान सांप के अंडा ला फोड़ दे फोड़ दे थेगा और जब सांप के अंडा ला फोड़ी तो नांगी ने तन सर 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 पहुंच गए जाके देखे है तो रमला दे देखा थे रमहौला दे और डर के मारे रमा है तन वहां से उठ गए भैया नांगिन है तन सर 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 भागा थे जाके पीछू रहा खड़ा हो गए तब जाके लक्ष्मी है तन वहाँ दोनों हाथ जोड़ के कहे हाँ जी हे नांगिन माता हाँ ते हम मन ननद ला दौड़ा था तो दौड़ा था कहाँ बात दौड़ा कारण कहे ये बात ला सुन के भैया वहाँ नांगिन माता है तन कहे तर ननद है तन मोर छठ अंडा ला खुदर खुदर के फोड़ दे वो है तन सब मोर संतान है जो तोर लगे है ते जैसे बोलवे मैं वैसे करूं पर मोर ननद लेते हाँ छोड़ दे हाथ छोड़वे मैं जैसे बोलूं वैसे मोर बात ल मानबे हाँ तबे नांगिन हरे कैसे मोर Thank you.
हाओ पर मोर ननंद ले तले छोड़े लागी भी तबे मान हूँ मैं। हाँ चल ठीक है मैं छोड़ दे। हाओ का होई धोखा मोगे ओला छोड़ दी। हाँ और लक्ष्मी के ननंद के रमा के वहाँ शादी हो गया ससुराल चल। अच्छा अब ये तरह भैया कुछ दिन बीते के बाद में लक्ष्मी है तो गर्भवती हो जाते और कुछ दिन बीते के बाद में होकर घर सुंदर एक बालक जन्म लेते। हो जी जैसे नांगी लपता चली हो अरे जी दिन सठी रखे तीही दिन हो है तो होकर पास में लक्ष्मी के पास में पहुंच गए। और जब लक्ष्मी घर पहुंची तो लक्ष्मी है तो कहे हो जी अब बोली नहीं सकी। ओकर बालक लले के नांगी है तन वहाँ से अपन चले के तैयारी कर भाई ए दे चलन लागेगा खुशी रथान ओकर बाद में कहा रात भर में चल जी तीन हजार पाप करे हो बे तेईस लाख के मोल हाँ भाई बाबा ओकर सास है तो लक्ष्मी ला घर ले निकाल दी झगड़ा लड़ाई करके निकाल दे हाँ भाई जान था तो माई लगिन मल्ला भाई गए अपने रथे हो मन हाँ का बता तोर जैसे बहुला मर बस में रहते इसने तो धक्का मार के निकाल निकाल देते हो लेकिन आजकल कहाँ चलने वाला है बहु मन के चलते हो बेटा की बिहा हो गए बेटा बहुरा गए हाँ मैटर खत्म खत्म ऑनलाइन में चल रही है दाई दादा के हाँ भाई साइड में रख थे हो बिल्कुल बिल्कुल बात मत कर सामने हाँ है नहीं हाँ जी अब ये तरह भैया लक्ष्मी है तो ने अपन माँ के पास में पहुंची से हो जाके वहाँ सुंदर सबो दुख सुख लबतई साबे हाँ भाई कहे बेटी हाँ जब तक तोर दुख ल नहीं बताबे हाँ जी तब तक मैं कैसे जान हूँ मैं कैसे जान हूँ मैं हाँ का बताओ दाई बेटी हाँ। चिंता मत करते हाँ मत कर तोर काम बिगड़ गए तो बनही ओकर पर चिंता मत करती हाँ। एक काम कर का काम मोर बात ला मान ले हाँ। सुंदर खीर वीर दूध दूध बना के अच्छा रोटी पिठा बना के दे हाँ इसे कड़सा में रख लेवे और रख के एक जगह जा के ओला मढ़ा दे बेटी अब ये तरह भैया जैसे लक्ष्मी के महतारी बोली से वैसे लक्ष्मी है तो नहीं अपन ने अपना सुंदर संभाल के वह वही भोजन ल तैयार करे लगी अब वो है तो नौकर गर्भ से छठवा नंबर के बालक जन्म लेने वाला रही लेने वाला रही से आज ही दिनों बालक जन्म ली से वही दिनों नांगिला पता चल गए हाँ। कि छठवा नंबर के बालक है तन जन्म ले डरे हाथ ओ जैसे
खीर मल्ला मढ़ाई से, दूध मल्ला मढ़ाई से ओ जावत रहे बालक के तीर में, तो बालक कर नहीं जाके वो है तन दूध के पास में पहुंच गए। जैसे दूध के पास है पहुंची से, नंगी माता है तन सुंदर, वहाँ प्रेम के साथ में दूध ले पिया था। हाओ भाई बाबा मोरा पियन लगे भाई, पास में पहुंच गएगा। आ जाके कहे बेटी तला हाँ। जो भी वरदान मांगला है तय मांगले मोला मांगले, आज मैं तोर पूजा पाठ भाव भक्ति में हाँ। बहुत खुश हो मैं हाँ। खुश हो गए मैं एकदम नील हो गए। वो लक्ष्मी है तौन कहे माता हाँ। अगर मोला वरदान देना है हाँ जी। ये छठवा नंबर के मोर पुत्र है, मोर पांचवा पुत्र लेते वापस कर दे कर दे बे। ये कर बात ल सुन के भैया वहाँ नंगीन महाराज है तर लक्ष्मी के पांचवा पुत्र ल वापस कर दे थी हाँ जी। अब वापस करके सुंदर वहाँ से वापस हो जाते थे हाँ। लक्ष्मी है तन अपन छयो जन बेटा लधर के अपन ससुरार की ओर मोर मुल्ली बजैया काली नाच ससुरार वाले मन देख के खुश आगे। अब वहाँ हंसी खुशी के साथ में प्रेम से रह लगी सावी। हाँ भाई बाबा अब ये तरह भैया एक ब्राह्मण ही रहे तो सुंदर ब्राह्मणी रहे और प्रेम के साथ में ओकर घर में रहते रहे ब्राह्मणी के यहाँ रहते रहे वो ब्राह्मणी के लेकर नांगचूर रहे बिल्कुल अब हनहर चल दी अच्छा तो नौकरानी सोचते रहते हाँ। हाँ। एक कटोरी नमक लेते मालकिन तो नहीं है, नहीं है। तो मोर घर में काम आ जाती काम आ जाती कटोरी में नमक अब वो लड़का देखत रही अच्छा तब वो कथे लेक जा जेला लेक नहीं तेला लेक जा मोर माता ला मोर माला नहीं बताओ मैं हाँ काबर इही नमक ला मोर माँ हाँ चोरी करे रही से ओकर सजल कतना दिल्ले भुगतत भुगतत आवत आवते हाँस दे थे ओहा तरवते इनक थे तर हासे के कारण का है कारण का है बाबू तो वही बात ले बताते ते हाँ आज नमक ला चोरी करके लेगू कहा था मर महतारी घोलो खत चोरी करे रही साबी चोरी करे रही से तब मोर मालकिन के ओकर उपाय ले बता देते हाँ। तो बहुत अच्छा के बात रही साबी मर वृंदावन गा बताओ बताना अगर मोर महतारी है तो हाँ जी। जब देवता मन सकला थे ओ दीनेहा कुत्ता के रूप धारण धर के हाँ। जाके ओकर बात ल सुनही हाँ। तो ओकर कारण हा घोलो के मिल जही मिल जही
बात लहसुन के भैया वो नव रहता इन्हें तन मन में विचार करके जैसे ओकर मालकी ना दे तन काहे कि ते थावत आओ का दुख है ओला ओ भाई अरे मैं आज जीवा था कुछ दिन जीहू तहन में हो जाने वाला हूं हो जाने वाला हो पुत्र पर सब तरस थे भगवान हो जाने वाला हो के थे हाओ जी और मालकी ल बताऊं तो ही बात है सही हाओ जी बाबा जैसे महाराज जी ना थे तो कहते महाराज जी तोर लईका हा तोला भगवान कर जाके बात ल सुनेल की सुनेल बोले है का बारो कुछ दिन जी ओकर बाद जाने वाला है ऊपर वो हमरने वाला है हमार लईका कैसे इसने बोल दी कैसे बोल दी भाई बीस में जाने विधि के विधान और कर्म के रेखा ल कोनो हन नहीं जान सके नहीं जान सके ये इतना भैया वहां मन में विचार करके ब्राह्मणी ने दर्शन सुन के वहां ब्राह्मण के पास बोला था भाई सदा तो रही अन्ना फूले सदा सावन है सदा जमान के नारा सदा तो रही अन्ना फूले वो सदा सावन है सदा जमान के नारा है राम जय हरि सदा जीवन में सदा जमान के नारा है राम जय हरि सदा जीवन में प्रभु मैं जाने वाला में नहीं नहीं हो अरे कुछ दिन अबे कहां तो हूं आ जाबे का होई ऐसे बात है ते ऐसे ऐसे चीज के वाला मांग करबे गर्मी के दिन में हां जी चिखला के मांग करबे तोला दे नहीं सके हो फटे पुराना कपड़ा के मांग करबे तोला दे नहीं सके नहीं सके नवा कपड़ा तोर बुआ मन पहन के बैठे रही तेकर गोदी में बैठू कबे तेकर मांग करबे तेला दे नहीं सके अब ये तरफ भैया वहां ब्राह्मणी ने तन वहां कुतिया बन के सुंदर सब बात ल सुंदरी आ सुन के आगे अपन घर में कुछ दिन के बाद में वही बालक है तन जन्म लेके आ गयो आगे आ सुंदर ओ बालक है तन जन्म लेके ऐसे हाँ जी प्रेम के साथ में तहने अपन माँ मल्ला कहा था मैं चिखलम खेलूं खेलूं तो ब्राह्मणी नौकर वर चिखलम मल्ला लागे लागे देवा थे यशोदा मैं
सुंदर प्रेम के साथ में हाँ जी नवा कपड़ा पहन के बैठे रहा तो कर भूला पाली का बारा पंडित नहीं है तन सब झल घर भर के मतलब समझा दे रहा है हाँ जी अब ये द्रा भैया सुंदर वही लोग लेगा के नाम से उपास ल रहल धरते सुंदर होकर सब मनोकामना ल पूरा करते भाई लेका कथे भगवान हाँ। ऐसे ऐसे चीज के मांग करवे तो ल दे मत सके ये तो सब लघवा गुल लाके खुला लाके दे मत दादा भगवान है तन कहे हाँ जी जब तर सब मनोकामना ल पूरा करत है तो वही तोर माए और ते ओकर घर में हमेशा के लिए रवे भाई ऐसे सुंदर आशीर्वाद देते ओला जय हो ओ तो धीरे धीरे आसे देवाला लागे भाई आशीर्वाद दे लगी सौ बाला खेत नौकर घर में सुंदर रहे लगी साबी हाँ जी आप ये तरह भैया वही बालक के नाम से सुंदर प्रेम के साथ में कर मैं छठ उपास ले रहे थे और सात जात के सात प्रकार के वहाँ भाजी लगती भाई भैंसी के गाय के दूध भैंसी के दूध गाय के दही गाय भैंसी के दही पसहर चावल मुखारी छह सात प्रकार के वहाँ भाजी लगते महुआ के पत्री महुआ के दोनों महुआ के तत्वन और लाई घोलो करे थे हाँ धान के चनल फोरा थे कोई रहन ला फोरा थे कोई लाखड़ी फोरा थे कोई गहूल मिला थे कोई महुआल मिला थे सब बोले मिला थे आ सुंदर वहाँ सबरी माता के सुंदर वहाँ पूजा पाठ ला करवा थी हाँ भाई जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला